ओके विचर, सबसे पहले जिस तरीके से हमने देखा फिल्म में, वी वी लव योर कैरेक्टर, बहुत अच्छा कैरेक्टर आपने प्ले करा है, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, इतना सारा प्यार, इतना सारा अटेंशन मिल रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब पुराने दोस्तों का, स्कूल के फ्रेंड्स का, साथ में काम करने वाले लोगों का, इंडस्ट्री वालों का, सबका फ़ोन आ रहा है, मैसेजेस आ रहे हैं हर प्लेटफॉर्म पे, तो अभी मैं गदगद हो रखा हूँ प्यार से। वो किसी के साथ में इतना जो, मतलब बहुत चैलेंजिंग किरदार है जो हमने आपका देखा, मोइन का कैरेक्टर जो है जी, सो कितना वक्त लगा उसको प्रिपेयर करने में, और मतलब कितना, कितनी मेहनत लगी इसको तैयार करने में? दिसंबर में मैंने फिल्म साइन की थी, हम लोग जनवरी से शुरू कर चुके थे काम, शूटिंग, तो एक महीने के आसपास टाइम था हम लोग के पास स्क्रिप्ट समझने का, फिर थोड़ा वर्कशॉप्स था, थोड़ी रीडिंग थी साथ में, फिर कुछ स्किल्स हैं कैरेक्टर्स के जो उसको सीखना है, गाड़ी के साथ में जो भी इंटरेक्शंस हैं और लिंगो पकड़ना है, इस तरह की चीज़ें थी, लेकिन बहुत एक्सटेंसिव प्रिपरेशन भी नहीं था क्योंकि स्क्रिप्ट बहुत अपने आप में सारे आंसर्स उसमें थे, तो ऐसे कुछ मेजर डिस्कवरी नहीं थी, लेकिन वो काफ़ी हेल्पफुल था, जो भी टाइम वर्कशॉप में हमने स्पेंड किया या जो रीडिंग वीडिंग की हमने, उसमें काफ़ी काफ़ी कुछ खोजा हमने, काफ़ी कुछ मिला हमको। या इसी के साथ में जैसे कि हमने देखा है अलग लैंग्वेज है गली बॉय की, अगर हाँ बात जो हम करते हैं डायलॉग, तो वो कितने मुश्किल थे आपके लिए पकड़ना? नहीं, बहुत मुश्किल तो नहीं था क्योंकि वो लोग इतना इन्फेक्शियस है वो लैंग्वेज, आपने सुनी है तो आप भी वैसी बात करने की कोशिश करते, तो वो ऐसा एक टोनैलिटी है जिसको, जो थोड़ा सा इन्फेक्शियस है, आप उनके साथ दो दिन बिता लोगे तो तीसरे दिन आप ही वैसी बात करोगे, देर इज़ नो वे, मतलब फिल्म देख के लोग निकलते ही सबसे पहले बोल रहे हैं बहुत हार्ड, बहुत हार्ड, एंड दे डोंट इवन नो दिस टर्म बिफोर, राइट? सो दैट्स द काइंड ऑफ, इट्स कंटेजियस द लिंगो, इट्स वेरी कैची, इट्स वेरी नाइस टू द हियर। तो जब हम लोग मिले इन रैपर्स से और इन बच्चों से जो जो हमको ट्रेन कर रहे थे, वहाँ के लड़के, धारावी, कुरला, अंधेरी, उस तरह के लड़के जो हमारे डायलॉग कुछ थे, एमसी अल्ताफ, राहुल पिस्के, ये रैपर्स हैं और बॉयज़ फ्रॉम द हुड है, तो इनको बात करते हुए देखो और आपका हो गया, मतलब आप खाली चोरी करो इनसे। वो किसी के साथ में जिससे कि हमने देखा रणवीर भी हैं साथ में, तो उनके साथ में कैसा एक्सपीरियंस था आपका काम करने का? बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार, बहुत बड़े दिल वाले को एक्टर हैं, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं एक्टर को, काफ़ी कमिटेड हैं, सीन में घुसा रहता है, जहाँ पर उनको पता है कि ये मोमेंट इसका है शाइन करने का, तो वो पूरा स्पेस देते हैं कि तू अब जा, मतलब वो जो रैप, मतलब वो बेंटन शॉप में जो सीन है जहाँ पर वो देखता है कि 10 लाख रुपए के लिए रैप जीतेंगे तो 10 लाख रुपए मिलेंगे मोइन भाई, जिस तो वो स्क्रिप्ट में नहीं था कि वो रैप वैप करेगा वहाँ पर, वो रणवीर का सजेशन था कि मोइन भाई को इधर छूट जाना चाहिए, मोइन भाई इधर पूरा रायता फैला देंगे। मैं कहा ग्रेट, मैं घर पे गया, मैं तैयार किया, मैं कहा यार मतलब मोइन का ऐसा है कि उसको अंग्रेजी तो आती नहीं, उसको रैप वैप समझ में पड़ता नहीं, तो वो अगर रैप करेगा तो कैसे करेगा, तो फिर वो जो साउंड बोलेगा ना बड़े बड़े वाह वाह बड़े वो वाह इम्प्रोवाइज कर दिया, वट सजेशन केम फ्रॉम रणवीर। वो किसी के साथ में कोई अगर एक चीज़ जो आपको रणवीर से सीखने को मिली हो, कि मतलब कि जो आपको लगा हो कि हाँ ये चीज़ मुझे रणवीर से सीखनी चाहिए, क्या कहना चाहिए? आई थिंक ही कंजर्व्स ऑल हिज एनर्जी फॉर द शॉट, अपने आप को खर्च नहीं करते हैं सेट पे, बचा के रखते हैं, चुपचाप रहते हैं, अपने जोन में रहते हैं, कैमरा ऑन होने के बाद में जितना देना है सब दो, तो वो एक बहुत अच्छी क्वालिटी है, तो कंजर्व ऑल द एनर्जी फॉर द शॉट। ओके, जब कॉल आया मतलब इस कैरेक्टर के लिए, मूवी के लिए, व्हाट वाज योर रिएक्शन? कि मतलब मेरा रिएक्शन था यस, क्योंकि जोया अख्तर बहुत ज़बरदस्त फिल्म मेकर मुझे लगती थी पहले से ही, और साथ में काम करते और ज़्यादा मुझे ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया हूँ मैं उनके काम से, उनके व्यवहार से, उनके बिहेवियर से, उनके इतने सलीके से, उतने प्यार से काम को अप्रोच करते हैं ना, कि फिर आप बिगड़ जाते हैं, आपको लगता है ऐसे ही काम करना है आपको, ऐसे ही लोगों के साथ काम करना है। वो किसी के साथ में अगर बात की जाए पूरी फिल्म की, तो कैसी रही जर्नी, कैसे देखते हैं, और सबसे ज़्यादा जो सीन, क्योंकि मैं देखा कि फिल्म में मतलब हर इमोशंस मतलब कूट कूट के भरा हुआ है, चाहे वो मतलब एक मजाक के तौर पर ले लो, चाहे वो दोस्ती दिखा देगी, चाहे वहाँ पे या इमोशनल तौर पर ले लीजिए, तो आप ऐसा कौन सा सीन था कि जिसमें आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट हो गए? आई
आई थिंक वो जेल में जो सीन हुआ था जब मैं लॉकअप में हूँ और मुराद मिलने आता है मोइन से, वो बहुत खूबसूरत दिखा हुआ सीन था कि दो दोस्तों के बीच में एक अनसेड अपॉलॉजी है कि यार मेरी वजह से तू अंदर है, मैं भी अंदर हो सकता था लेकिन तूने मुझे बचा दिया, तू मेरे बारे में बोला नहीं, और एट द सेम टाइम बोल भी रहा है कि लेकिन वो करते करते ऐसा कुछ हुआ कि क्योंकि मुराद इस लेवल पे फील कर रहा था चीज़ों को, तो मोइन भी अफेक्ट हो गया है कि इतना कोई कंसर्न दिखा रहा है पहली बार लाइफ में, इतना कंसर्न शायद उसने कभी लाइफ में महसूस नहीं किया है कि कोई इतना उसके भले के लिए कोई सोच रहा है, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग मोमेंट बन गया था हम दोनों के बीच। ओके, जब फिल्म जब शुरू करी तो मतलब सोचा था कि मतलब कि मोइन के कैरेक्टर को इतना प्यार मिलेगा, लोग इतना दर्शक इतना पसंद करेंगे? नहीं, इतना मैंने नहीं सोचा था कि इतना ज़्यादा, मुझे ये पता था कि कैरेक्टर पसंद आ जाएगा क्योंकि एक उसमें एक है, मतलब उसमें एक मस्ती है, एक एक गंदगी है, एक एक हरामीपन है, एक बट एक लार्जर देन लाइफ भी है, थोड़ा सा लार्ज हार्टेड भी है, तो बहुत सारा उसका कुछ चल रहा है, थोड़ा शेडी काम करता है, बकवास भी करता है लेकिन किसी को नज़दीक नहीं आने देता है, तो बहुत सारी उसमें चीज़ें थी जो लोग कनेक्ट कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, लेकिन किस लेवल पे रिस्पॉन्स होगा ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ओके, इसी के साथ में जिस तरीके से हमने देखा कि मतलब काफ़ी अलग अलग तरीके का आपने किरदार प्ले करें, चाहे वो MCA में ले लीजिए, चाहे वो करेक्ट अमन सिंह शोटॉट में ले लीजिए, और चाहे पिंक में। सो कौन सा कैरेक्टर ऐसा जो है आपके जो सबसे ज़्यादा क्लोज हो, एज अ पर्सन क्लोज या एज एन एक्टर जो मुझे बहुत प्यारा है? पता नहीं यार, मुझे तो मेरा सारा काम बहुत ज़्यादा दिल के करीब है। मेरी पहली फिल्म मॉनसून शूट आउट, उससे ज़्यादा मतलब स्पेशल कुछ नहीं हो सकता। एट द सेम टाइम अभी गली बॉय, जिस तरह से लोगों का प्यार मिल रहा है, उससे ज़्यादा स्पेशल कुछ नहीं हो सकता। MCA ने मुझे एक कम्प्लीटली न्यू ऑडियंस दी, एक कम्प्लीटली न्यू फैन बेस दिया। साउथ में बहुत बड़ा मेरा फ़ैन बेस हो गया है MCA की वजह से। सब फिल्म का अपना एक योगदान था। पिंक का एक इतना नशा था क्योंकि अमिताभ बच्चन के साथ आप फिल्म कर रहे हो। ओके, इसी के साथ में और किस तरीके के प्रोजेक्ट्स हम करेंगे आप, मतलब किस तरीके से और किस तरीके से प्रोजेक्ट्स में आपको देखेंगे? अभी तो एक फिल्म मैंने शूट कर ली है जिसका नाम है बम फाड़। ये नए डायरेक्टर हैं, फर्स्ट टाइम डायरेक्टर हैं रंजन चंडेल, बट इट्स प्रेजेंटेड बाय मिस्टर अनुराग कश्यप, एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग फिल्म है, UP में सेट है। और दूसरी अभी मैं एक वेब सीरीज़ कर रहा हूँ इम्तियाज़ अली जी के साथ में, उसमें भी कुछ अच्छा रोल है उसमें। कुछ बताइए उसके बारे में। अभी नहीं बता सकता क्योंकि ऑफिशियली वो लोग बताएंगे तब पता चलेगा, लेकिन हम लोग शूट कर रहे हैं। ओके, इसी के साथ में और मतलब किस तरीके का ऐसा कैरेक्टर है जो आप प्ले करना चाहते हो, मतलब जो अभी तक प्ले करने का मौका ना मिला हो? आई थिंक आउट एंड आउट कॉमेडी समथिंग मैंने नहीं किया है, मैं करना चाहूँगा। मेरे ख्याल से एक इंटरेस्टिंग ब्रेक रहेगा और एक इंटरेस्टिंग सरप्राइज रहेगा ऑडियंस के लिए अगर मैं कुछ कर लूँ उसमें अच्छा। तो ओके, बॉलीवुड में किसको आपकी इंस्पिरेशन बनते हैं अगर आपकी? बच्चन, ऑल द वे बच्चन, अमिताभ बच्चन साहब। ओके, और ऐसा कोई ड्रीम डायरेक्टर? काफ़ी सारे मेरे ड्रीम कम ट्रू हो चुके हैं, लेकिन अनुराग कश्यप को मैं काफ़ी दिनों से परेशान कर रहा हूँ कि मुझे काम में लो सर, और आई थिंक दिवाकर बनर्जी इज़ वेरी गुड, विशाल भारद्वाज सर इज़ वेरी गुड, आई लाइक द न्यूएस्ट फिल्म मेकर्स ऑल्सो, अमर कौशिक मेड स्त्री का डायरेक्टर अमर कौशिक, राइट? या अमर कौशिक मेड स्त्री, या एंड या आई लाइक द डायरेक्टर ऑफ पूरी ऑल्सो इज़ वेरी गुड। और जिस तरीके से आपको ये पता है कि पुलवामा में जो कुछ भी हुआ है, पुलवामा अटैक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सभी बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं और सभी अपने भाव रख रहे हैं, आप क्या कहेंगे इसके? मैं तो बस मुझे भी रेज महसूस हो रहा है इस चीज़ के लिए और बहुत गुस्सा आता है जब बड़ी मुश्किल से हम लोग सोल्जर को तैयार करते हैं, बहुत उनके परिवार वालों पर क्या बीती होगी और कितने मतलब सबसे फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ मैन जो है वो होते हैं सोल्जर, और वो एक हज़ार के बराबर होता है, तो इट्स अ बिग लॉस एंड आई फील सैड। ओके, लास्ट फिर क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से जो आपको देख रहे हैं?
मैं कहना चाहूँगा कि आप सबको छोड़ें और गली बॉय देख के आए, और मैं ऐसे काफ़ी लोगों को जानता हूँ जो दोबारा देखने जाते हैं और उसमें से कुछ नया पाते हैं, तो आपने अगर देखी नहीं है तो देखें, और अगर एक बार देख चुके हैं तो दोबारा देखें। थैंक यू सर। थैंक यू।